सुसाइड कर दिया है ये खबर आई है। पेरेंट्स जिनकी बच्ची 31 इयर्स ओल्ड की ऐसी खत्म हो जाती है, उनको 3 घंटा खड़ा रखा और ये हाथ जोड़ती रही, माँ बाप हाथ जोड़ते रहे, हमें एक बार दिखाओ, हमारी बच्ची का मुंह एक बार दिखाओ, हमको नहीं दिखाया गया। और ये पापा डेड बॉडी ऑफ द गर्ल जिसके मुंह में खून था फोटो खींच के लाके मुझे दिखाते हैं। शरीर में कोई कपड़ा नहीं था, पैर दोनों राइट एंगल में मिला गया, एक पांव बेड के इस तरफ एक पांव बेड के इस तरफ मिला गया। मतलब वो आके पूरा वार्ड में आके हमला करके वार्ड का पूरा इक्विपमेंट तोड़ दिया। उसके बाद वार्ड में जाके एसएनसी में जाके बोल गया आज बेबी लोग का वार्ड है, छोड़ के जाती हूँ, कल आके रेप करके जाऊँ। हजारों की संख्या में ये मॉब आया है, हम लोग पे अटैक भी किया है और इनका मेन टारगेट है कि जो भी एविडेंस है उसको टेम्पर किया जाए और यहाँ का जो लोकल पुलिस है ये कुछ भी कंट्रोल नहीं कर पाया है। हेलो दोस्तों, आप सभी को मैं अपना चैनल पर वेलकम करता हूँ। सभी को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। सो गाइस, हम सभी इंडिपेंडेंट मना रहे, लेकिन क्या हमारे भारत का बहन बेटियां महिलाएं अभी भी सेफ है? क्या वो सुरक्षित रास्ते पर जा सकते हैं? क्या वो सुरक्षित अपने काम पर जा सकते हैं? तो गाइस, मैं आप लोगों को एक ऐसा इंसिडेंट के बारे में बताने जा रहा हूँ, कई लोगों को पता होगा, कई लोगों को पता नहीं होगा। तो ऐसा एक ट्रेजिक इंसिडेंट है कलकत्ता का, आप सभी ने तो देखा होगा, एक डॉक्टर का वहां पर मर्डर और रेप किया जाता है। तो इस चीज को मैं थोड़ा सा आप लोगों को हाईलाइट करता हूँ। अर्जिकल मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में एक महिला 31 इयर्स 3 बजे मरीज को देखने के बाद में वो 3 बजे सेमिनार हॉल में सोने के लिए चला जाते हैं। हालांकि उनको प्राइवेट रूम नहीं दिया जाता और अवेलेबल नहीं होते। कई लोग वहां पर रेस्ट करते हैं, वो जो अपने दोस्त के साथ में डिनर कर लेते हैं 2 बजे और 3 बजे वो सेमिनार हॉल में रेस्ट करने निकल जाते। वहां पर उनको अकेला पाकर एक लड़का जो कि कॉन्ट्रेक्चुअल पुलिस है, सिविक्स पुलिस बोला जाता है, जो कि वॉलंटियर होते हैं और वहां का जो पुलिस वगैरह है उनको हेल्प करते हैं कलकत्ता में, एक तरह से कॉन्ट्रेक्चुअल पुलिस बोलते हैं। तो उन्होंने नशा में उसका हॉल में आते हैं, उसके बाद में उनको ब्रूटली टॉर्चर किया जाता है। इतना टॉर्चर कि मैं सोच भी नहीं सकते गाइस। सिर्फ टॉर्चर नहीं, उनको मारदर तो किया जाता है, उनके साथ में रेप। वो रेप करने के बाद में आराम से उसका जो पुलिस का बैरक है वहां पर सोने चले जाते, लेकिन दूसरा दिन उनको सुसाइड घोषित किया जाता है। उनका पेरेंट्स को 3 आवर्स तक रुकने दिया जाता है, बाहर में देखने नहीं दिया जाता। उनका माँ का कहना ये था कि उसका पिताजी अंदर घुसते हैं और फोटो क्लिक करके वापस लेके आते हैं, लेकिन वहां पर उनको कोई सुसाइड नजर नहीं आते। तो उनका पोस्टमार्टम निकलने के बाद में गाइस आप लोग सुन के रोंगटे खड़े हो जाएंगे, उनको किस टॉर्चर किया जा रहा था। उनका जो आंख है, उनका जो चश्मा का ग्लास है वो घुसा दिया गया था, और जो आप ये कोट देख सकते हैं इनको तोड़ दिया गया था, टायर उनको तोड़ दिया गया था। कई ऐसा जगह पर उनका जो ब्लीडिंग हुआ है, लाइक उनका जो प्राइवेट फर, उनका जो पेट फर, उनका जो फेयर है वो 90 डिग्री ऐसे मुड़ के रखा गया था। तो सोच के देखिए इतना घिनौनी हरकत उनके साथ में किया गया, और ये करने के बाद में वो आराम से सोने चला जाता है पुलिस बैरक में। फिर दूसरा दिन ये सुसाइड नहीं है ऐसे बोलने के बाद में वो लोग प्रोटेस्ट, वहाँ का जो डॉक्टर है प्रोटेस्ट करना स्टार्ट हो जाता है। तो वहाँ का जो प्रिंसिपल है वो रिजाइन लेके फिर दूसरा कॉलेज में ज्वाइन हो जाता है। और पुलिस जब तहकीकात करने के बाद में पता चले वहाँ पर एक नेक बैंड मिलता है ब्लूटूथ, तो वो ब्लूटूथ जो है वहाँ पर रह गया था, कल्प्रित है। अनफॉर्चुनेटली एक सबूत चोरता है वो है नेक बैंड, यहाँ पर बनते हैं लोग, वो वहाँ पर चोर के गया। उसके बाद में वो ब्लूटूथ को ऑन किया गया तो वो कल्प्रित से ऑटोमेटिकली पकड़ा जाता है, इसके बाद में उनको जेल पर लिया जाता है। तो गाइस आप लोगों को क्या लगता है, इस तरह का जो हरकत करता है इनको किस तरह का पनिशमेंट देना चाहिए? क्या उनका माँ पिताजी हमेशा लड़ते रहे 5 साल तक 2 साल तक उनका बेटी को जस्टिस मिले बोल के? हमारा जो लॉ है उन पर ऐसे रेप केसेस पर क्या लॉ आना चाहिए? आप अपना जो कमेंट से जरूर बताना, आप अपना जो व्यू से जरूर लिखना, इस तरह का हरकत जो रेपिस्ट है इसको किस तरह का पनिशमेंट देना चाहिए हमारा स्पेशली इंडिया में? क्या रास्ते पर कारागर सूट करना है, या पब्लिक प्लेस पर उनको मार पीट के जिससे जिस तरह उन्होंने टॉर्चर किया वो टॉर्चर सहने देना चाहिए? और वो लड़की का यहाँ नाखून पर भी खून निकला था, नाखून भी उखड़ा गया है, तो आवाज नहीं निकलने के लिए मुंह को भी दबाया गया। इतना घिनौनी, इतना ब्रूटली टॉर्चर किया गया है वो लड़की को। तो और वो लड़का, उनका मोबाइल में प्रोनोग्राफी का दुनिया भर का प्रोनोग्राफी कंटेंट मिला है, और वो प्रोनोग्राफी भी अलग वाला प्रोनोग्राफी मिला है।
इस तरह का लोग को गाइस किस तरह पनिशमेंट देना चाहिए आप कमेंट्स में जरूर बताना। और इसके बाद में मैंने थोड़ा पहले एक इंटरव्यू देखा, वहाँ पर कोई इंटरव्यू दे रहा था कि ये गैंगरेप हो सकते हैं क्योंकि एक आदमी इतना सारा कैसे, और वो जिस जो कल्प्रित थे उनका ऑलरेडी 4 वाइफ्स है और उन लोगों को इसी तरह असोल्ट किया जाता। लेकिन दुख का बात यह है कि उनका जो माँ का कहना है कि उनका जो बेटा है ये नहीं कर सकता। थोड़ा पहले एक फिर न्यूज आता है कि 1000 से ज्यादा लोग फिर वो आर्जिकल कॉलेज मेडिकल कॉलेज में अटैक करते हैं, उनका जो सबूत है मिटाने का कोशिश किया जाता है, जितना दामी दामी सामान दवाई वगैरह सब तोड़ फोड़ किया जाता है। तो ये क्या चल रहे हैं? तो हमारा जो प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी, उनसे भी यही रिक्वेस्ट रहेगा कि हमारा पब्लिक तरफ से कि इस तरह का जो रेपिस्ट थे उनको ऐसे पनिशमेंट देना चाहिए कि अगर आगे भी कोई रेप करने जाता है तो वो 1000 बार सोचे रेप करने के लिए। ये सिर्फ नहीं, निर्भया केस में भी आपने देखा होगा गाइस, हमारा जो प्राइम मिनिस्टर है उनसे यही रिक्वेस्ट रहेगा कि जो इस तरह का हरकत करते हैं इनको करीब से करीब पनिशमेंट देना चाहिए क्योंकि आने वाला फ्यूचर में हमारा जो बहन बेटी जो लड़कियां है इनको सेफ्टी मिले। तो वीडियो जो है यहाँ पर एंड करते हैं और आप अपना व्यू जो है जरूर लिखना इस तरह का हरकत करने वालों को किस तरह पनिशमेंट देना चाहिए। थैंक यू। जय हिंद जय भारत। वंदे मातरम।